ਆ ਤੋ ਸਦਨੋ ये छोटी सी कथा आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। अर्जुन और कृष्ण का युद्ध, किस प्रकार उनके आपस में दोनों के युद्ध हुआ था। युद्ध क्या, आपस में लाल नेत्र एक छोटी सी वार्ता के ऊपर हो गए थे। उस समय की एक छोटी सी वार्ता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। एक समय की बात, एक पहाड़ी के अंदर एक राक्षस रहा करता था। उसका नाम था सहसरिया बहु। उसके 100 भुजा थी। 100 भुजा का राक्षस, उसका भगवान शिव शंकर का ये वरदान था, क्या अगर तेरे को कोई मारने की कोशिश करेगा और जहां पर तेरा एक खून का तिनका पड़ जाएगा वहां अनेक हजार राक्षस पैदा हो जाएंगे, तो उसको कोई मार भी नहीं सकता। सदनो, इस डर से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी बड़े बड़े देवता भी कंपायमान हो गए। बोले भाई इसको कौन मारेगा, अनेक पैदा हो जाए अगर इसको मारने की कोशिश करें तो। राक्षस भी मन में बड़ा फूल गया। आसपास के इलाके में तबाही शुरू हो गई। बोले भाई इसके डर से कोई त्योहार बार भी नहीं मनाता था। तो उस समय की वार्ता क्या बताई गई, राक्षस था न्यू प्रमाण बतावे बड़े बड़े योद्धा सब दूजे वो जिंदा ने खा जावे। बड़े बड़े योद्धा सब दूजे जिंदा ने खा जावे रे। क्या बताया, बोला भाई सेंस बुझा का राक्षस था, सेंस बुझा का राक्षस था न्यू प्रमाण बतावे बड़े बड़े योद्धा सब धूजे वो जिंदा ने खा जावे। इस प्रकार मेरे सदनों उसके नाम से बड़े बड़े योद्धाओं भी, बोला भाई बड़े बड़े योद्धा भी कंपायमान हो जाया करते थे क्योंकि भगवान शिव शंकर का उसको वरदान था। तो बताया पहाड़ी के मारे पहाड़ी के मारता था वो बहुत बड़ा बलवान। मारन को कोई तैयार नहीं उसे शंकर का वरदान। मारन को कोई तैयार नहीं उसे शंकर का वरदान। कई पदा हो जावे बड़े बड़े योद्धा सब दूजे जिंदा ने खा जावे रे। बड़े बड़े योद्धा सब दूजे ओम शिव ओम
ओम ओम शिव ओम ओम शिव ओम 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 शिव ओम सच बुझाता राक्षस था ओरे रे रे ओरे रे आदि सच बुझाता राक्षस था अनु प्रमाण बतावे बड़े बड़े योद्धा सब दूजे जिंदा ने भगावे बड़े बड़े योद्धा सब दूजे। ये बात साधनों क्या बताया, बोला भाई पहाड़ी के मां रहता था बहुत बड़ा बलवान, सो बहु राक्षस। पहाड़ी के मां रहता था बहुत बड़ा बलवान और मारण को कोई तैयार नहीं, उसे शंकर का वरदान। जय मारण का करे पिलान कई पैदा हो जावे, बड़े बड़े योद्धा सब धूजे जिंदा ने खा जावे। तो क्या बताया नंबर दूसरा, हाँ उसके नाम से मचे तवाई उसके नाम से मचे तवाई दूजे, उसके नाम से मचे तवाई दूजे दुनिया सारी, उसके नाम से उसके नाम से मचे तवाई दूजे दुनिया सारी। बार त्योहार भी नहीं मनावे दुखी रहे नर नारी, बार त्योहार भी नहीं मनावे दुखी रहे नर नारी। और मेरे सदनों बताया कभी ने, बोले भाई उसके नाम से मचे तवाई दूजे दुनिया सारी, बार त्योहार भी नहीं मनावे दुखी रहे नर नारी, बार त्योहार भी नहीं मनाते हैं। बोले भाई फिर बताया, पहली उसकी करें तैयारी, अगर जो कोई बार त्योहार या तो गरीब तो मना, बाकी मन में इच्छा है को ना करे, क्योंकि गरीब की औकात भी कड़ी। अगर जो कोई बड़ो सेठ साहूकार बार त्योहार मनावा की तैयारी कर ले तो बोले पहली मुंह को माल बनाए। सो बुझागा राक्षस बड़ा ही बलवान था, अब मेरे सजनों वत्तो ही खाए मेरे यार। बोले भाई पहली उसकी करें तैयारी, जो कोई माल बनावे और बड़े बड़े योद्धा सब दूजे जिंदा ने खा जाए। तो क्या बताया नंबर तीसरा, दिवाली आ गई, अब घर घर में खुशी मनती है, लेकिन अब थोती खुशी कहे मनाऊ, राक्षस का बहुत भारी डर, इलाके में कोई खुशी नहीं मनी। बोले भाई कोई भी खुशी नहीं मनी, तो भगवान कृष्ण विचार लगा, बोले भाई ये राक्षस तो बड़ा ही घोर कर रहा है, क्योंकि जबकि आज का दिवस बड़ा सुंदर दिवस, इसको सभी लोग मनाते हैं, अमीर गरीब सबका त्योहार है, लेकिन उस राक्षस के डर से कोई भी नहीं मनाता, भगवान शिव शंकर तो ने बहुत बड़ा घोर कर दिया।
अगर उसको मारने की कोशिश करते हैं तो कई पैदा होते हैं, उसका क्या हाल होगा। पर मेरे सदनों दिवाली चली जाती है, दूसरा दिन आता है राक्षसों का बार, जिसको कहते हैं गोवर्धन, गोवर्धन। उस दिन भी राक्षसों का बार था वो, तो उस दिन तो कोई मनाने का प्रश्न ही नहीं। तो क्या बताया है अरे कुसी मनाली ये बात कुसी मनाली आई दिवाली फिर गोवर्धन त्योहार, खुशी मनाली फिर आई दिवाली फिर गोवर्धन त्योहार। मन ही मन में सोच राक्षस आव आज शिकार, अब खुशी कौन मनाली राक्षसी मनाओ खुशी। मन ही मन में वो सोच राक्षस आव आज शिकार, अरे आए कृष्ण मुरार बेस में हो रे हो, आए कृष्ण मुरार बेस खा टीका तुंत बढ़ावे, आए कृष्ण मुरार बेस खा टीका तुंत बढ़ावे, बड़े बड़े योगा जिंदा ने खा जावे, जिंदा ने खा जावे, जिंदा ने खा जावे। ओम शिव ओम 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 भगवती ओम, जिंदा ने खा जावे, बड़े बड़े सदनो राक्षस मन में सोच के बोले आज कोई शिकार आओ जरा आनंद हो। अब मेरे सदनो ओई दिन भगवान कृष्ण मुरार खाती का भेष में, खाती भेष में रवाना होते हैं, उसी पहाड़ी में आ जाते हैं, उसी पहाड़ी में आ गए। अब राक्षस पहाड़ी के ऊपर सो रहा था, पहाड़ी के नीचे जाकर के एक मौका सा देख करके उस जगह खाती भेष में भगवान कृष्ण ने एक पिंजरा घड़ता है, पिंजरा घड़ता है, पिंजरा घड़ना शुरू कर दिया, खट खट की आवाज आई। राक्षस सोचा भाई ये कौन है, लेकिन राक्षस उसकी तरफ देख करके किलकारी मारी। भगवान कृष्ण उसकी देख बोला भाई, भगवान कृष्ण उसकी तरफ देख करके मुस्का गए, बड़े हसन बोला भाई, बड़े प्रसन्न हो गए। अब उसकी तरफ देखते हंसे राक्षस, सोचा रे मेरे नाम से बहुत बड़े बड़े इलाकों में तबाही धूज धूजनी मार जाती है, और ये छोटा सा बोला एक छोटा सा इंसान, बड़ा सुंदर सा इंसान मेरे को देख करके हंस रहा है, क्या बात है, ये कोई वीर पुरुष है, इसको पूछना चाहिए कौन है, कहां का रहने वाला है। तो मेरे सदनों काठ पिंजरा ठोकन लाग गया, आ, काठ पिंजरा ठोकन लाग गया उसी पहाड़ पे जाके, कौन कहां का क्या कर रहा तू राक्षस बोलिया आके, कौन कहां का क्या कर रहा तू राक्षस बोलिया आके, प्रभु नो मन मुझे गाते ओ रे रे ओ,
राजेंद्र गवे बड़े बड़े योद्धा सब जोड़े जिंदर में खा जावे रे बड़े बड़े योद्धा सब जोड़े सच बुझाता लगता जो प्रमाण बतावे बड़े बड़े योद्धा सब जोड़े जिंदर में खा जावे मेरे सदनों इस प्रकार बात बताई क्या काठ पिंजरा गढ़ने लगा उसी पहाड़ पे जाके और कौन कहाँ का रहने वाला राक्षस बोलिया आके कौन है कहाँ का रहने वाला क्या तेरा नाम है क्या कर रहा है क्या काम है यहाँ कहे प्रभु न्यू मन मुस्का के राव राजेंद्र गावे बड़े बड़े योद्धा सब दूजे जिंदा ने खा जाओ भगवान मुस्का करके कहने लगे बोले भाई एक काम कर रहा हूँ क्या बोले भाई इस पहाड़ी के अंदर एक राक्षस आने वाला है मेरे सदनों बताया कौन सा राक्षस बोले भाई बहुत भारी राक्षस जबरदस्त उसके नाम से बड़े बड़े देवता भी कंपायमान हो जाते हैं वैसा राक्षस आने वाला है बोले राक्षस और वो खुद राक्षस था विचार लगाया रे मेरे से भी कोई बढ़कर राक्षस तो बोला तू क्या कर रहा है बोला भाई उसके लिए मैं पिंजरा गढ़ रहा हूँ तो भगवान कृष्ण कन्हैया क्या बात को घुमा करके उसी राक्षस को कहते बोला भाई एक राक्षस आने वाला है तो क्या बताया अरे खाती भेस में कृष्ण कन्हैया ओ खाती भेस में कृष्ण कन्हैया गौ चराने वाला क्या कहने लग गया उसके लिए मैं गढ़ू पिंजरा एक राक्षस आने वाला उसके लिए मैं गढ़ू पिंजरा एक राक्षस आने वाला उसके लिए मैं गढ़ू पिंजरा अरे रे खाती ओ खाती भेस में कृष्ण कन्हैया खाती भेस में कृष्ण कन्हैया बोला गऊ चराने वाला उसके लिए मैं गढ़ू पिंजरा एक राक्षस आने वाला उसके लिए मैं गढ़ू पिंजरा अरे मन ही मन में सोचन लग्या अरे बहम हो गया भारी राक्षस का बहम हो गया ओ मन ही मन में सोचन लाग्या बहम हो गया भारी बड़ा अचंबा हुआ बात का के साची बात तुम्हारी
बड़ा अचंभा हुआ बात का, जो सांची बात तुम्हारी। मेरे से दूजे नर नारी, मेरे से दूजे नर नारी, ये बात। मैं दुनिया को खाने वाला, मेरे से दूजे नर नारी में दुनिया को खाने वाला, उसके लिए मैं रड़ू पिंजरा रस आने वाला, उसके लिए मैं रड़ू पिंजरा रस आने वाला। राक्षस मन में सोच वाला गोरे, तेरा से भी बढ़कर मेरा नाम से संसार दूज है, और तुरे तो कोई भरकाली बात क्यों मेरे ही सामने आ गयो। मेरा नाम से संसार दूज है और मेरे से भी बढ़कर ऐसा कौन सा राक्षस है, जरा मुझे भी तो दिखा। साधनो, इस प्रकार राक्षस मन ही मन में सोचता है, तो बताया नंबर दूसरा, क्या खाती वेश में कृष्ण कन्हैया उसी राक्षस से क्या कहते हैं। अरे खाती, ओ खाती बोला सुन रे भाया, खाती बोला सुन रे भाया, हाँ खाती बोला सुन रे भाया, आ तू देना मेरा साथ। राक्षस ने कर गए, तू मेरो साथ दीजिए, तू देना मेरा साथ, तेरा भी कुछ रोब पड़े है जभी बताई बात, तेरा भी कुछ रोब पड़े है जभी बताई बात। अरे उसके नाम से दूजे घात, ओरे रे 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 रे, अरे उसके नाम से दूजे घात, आ उसके नाम से दूजे घात, जब आवे मतवाला बोला उसके लिए मैं गढ़ूं पिंजरा एक राक्षस आने वाला, उसके लिए मैं गढ़ूं पिंजरा। या बात बताई, बोले भाई खाती बोला सुन रहे भाई, तू देना मेरा साथ, तेरा भी कुछ रो पड़ा है जब भी बताई बात के, यार तेरे भी रोब तो जोर को पड़ा भाई, तो ये तू मेरा साथ दीजिए। बोला भाई उसके नाम से दूजे घात, जब आवेगा मतवाला, बोला भाई वो मतवाला आओगा ना जी टाइम, आंधी तूफान सहित रोंग वृक्ष हालता ही आऊंगा, काली कठा चढ़ती आवेगी। राक्षस सोचवा लगे, रे इन बेरो को ना, मैं भी एक राक्षस हूँ। राक्षस सारी बात सुनिया गयो, तो मेरे सदनों राक्षस ने आयो क्रोध, राक्षस क्रोध तो हेर कहवा लगे, बोले भाई अब यार तने तो मैं के मारू, अब तो पहले तेरे को राक्षस आओगे जनाई मैंने देख रही पाछे, तेरे सामने मेरी वीरता बता रही, फेरी बोला तेरा से दो बात करो, तो के राक्षस कहवा लगे
अरे मेरे से भी लंबा चौड़ा बता कौन सा नार, ओ मेरे से भी लंबा चौड़ा बता कौन सा नार। सुन खाती कर बजर की छत में कर दूं बेड़ो पार, सुन खाती कर बजर की छत आबाद कर दूं बेड़ो पार, सुन खाती कर। ताकत बेसुमार यार में सुमार यार जिंदा ने खाने वाला, तुझे बेरा नहीं खाती मैं कौन हूँ। ताकत में ताकत बेसुमार यार में जिंदा ने खाने वाला, उसके लिए मैं गड़ों पिंजरा ये ताकत आने वाला। या बात बताई बोला भाई आप आ देखे बेड़ो पार कर दूंगा। भगवान भगवान कृष्ण मन में विचार लगा बोला भाई जुगत तो बैठ जाएगा। अब कह बोला लेके लेकिन यार तू मेरा साथ दे बोला वो कहीं। अब उन राक्षस को बेरो को ना कत्तो को लंबो चौड़ा होगा साधनाओ उसका बेरा नहीं बोला भाई कितना लंबा चौड़ा है अंधविश्वास है लेकिन तू मेरा साथ दे के तो कह बोला भगवान कृष्ण उस खाती भेस में उस राक्षस को। लोग बतावे लंबा चौड़ा मेरा कलेजा धड़के से, मेरा कलेजा धड़के। लोग बतावे लंबा चौड़ा मेरा कलेजा धड़के रे, मेरा कलेजा धड़के। आ पिंजरे का अंदाज बैठ जा, पिंजरे का अंदाज बैठ जा, जरा मन दिखा दे तू बड़के रे, मन दिखा दे बड़के। पिंजरे का अंदाज बैठ जा, जरा मन दिखा दे तू बड़के रे, मन दिखा दे बड़के। ये बात बोला भाई इतनी सुन झट बढ़ गया, अरे इतनी सुन बढ़िया झटके, ओ इतनी सुन वो बढ़ गया झटके। राजेंद्र राव राजेंद्र गाने वाला, इतनी सुन वो बढ़ गया झटके। राजेंद्र गाने वाला उसके लिए बात बताए क्या बोला भाई। लोग बता मैं लंबा चौड़ा जरा बोला भाई, लोग बता मैं लंबा चौड़ा मेरा कलेजा धड़के और पिंजरे का अंदाज बैठ जा, जरा यार तू मने दिखा दे बढ़के। बोला भाई तू का मां ने बढ़ दिखा दे तो अंदाज बैठ जाए।
इतनी बात कही बोला यार क्यों घबराओ चले अभी बॉर्डर बता दूं। इतनी सुन जट बोला भाई इतनी सुन के बढ़ गया झटके झड़दनी से माए फिट हो गई बोला भाई इतनी सुन झट बढ़ गया बोला भाई इतनी सुन के बढ़ गया झटके राव राजेंद्र गाणी वाला और पिंजरे का अंदाज बैठ जा एक राक्षस आने या बात कही कहता है मेरे सदन राक्षस माए बड़को बढ़ता है भगवान श्री कृष्ण उसी काट का पिंजरा के ताला लगा बोले भाई ताला ठोक दिया ताला ठोक दिया ताला ठोकते ही राक्षस माए ने मेरे सदनों झपट्टा मार बल लगो रे तू कौन है कहा का रहने वाला है मेरे से क्या धोखा किया सो बाबू बोलिया मुझे शंकर का वरदान सो बाबू बोलिया मुझे भोले का वरदान सो बाबू बोलिया ओ मुझे शंकर का वरदान रे भोले का वरदान शंकर का वरदान रे भोले का वरदान सो बाबू बोला मुझे रे शंकर का वरदान सो बाबू बोला रे मुझे भोले का वरदान विचारे कई पैदा होते हमारे क्या ठे मारवा की क्या ठे विचार अगर जब मारवा की विचार को ना तो कई पैदा होगा मेरा मेरा भाई ओ रे कई पैदा होते हमारे आ मुझे ये वरदान मिला रे ओ रे 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 ये बात मुझे ये वरदान मिला रे मुझे ये वरदान मिला रे कोई कर देखो लोहू लोहान मुझे ये वरदान मिला रे चाहे कर देखो लोहू लोहान सो बाबू बोलिया मुझे रे भोले का वरदान सो बाबू बोला रे मुझे शंकर का वरदान सो बाबू अगर नहीं विश्वास है तो मार देख ले भगवान शिव शंकर था गठवासी अंत बोले भाई भगवान अर्जुन था गठवासी अंतर्यामी भोला विचार लगा बोले भाई भगवान कृष्ण विचार लगा लिया बोले भाई मैं जानता हूँ तेरी वार्ता तो भगवान कृष्ण उसको क्या बात सुसाते हैं बोले भाई मैं भी तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ यही तो थोड़ा चक्कर पसरा था जभी तो तेरे लिए पिंजरा बनाया है नहीं तो मेरा यार कई राक्षस ढोल बोक रहे हैं दूर बैठा ही काम कल्याण हो जातो लेकिन यही वरदान ही तो बीच में आ रहा था तो मेरे सदनों के बतायो अरे यू बोले कृष्ण मुरारी तेरी बात जानता सारी ओ रे 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 तेरी मैं बात जानता सारी यही लाचारी ओ रे 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 ओ
आई लाचारी। अरे आई लाचारी नहीं मिटाता नाम निशान, आई लाचारी नहीं मिटाता नाम निशान। सोबाऊ बोलिया रे मुझे भोले का वरदान, सोबाऊ बोलिया रे मुझे शंकर का वरदान। बोला रे यार यही तो लाचारी पसरी से, न तो तेरा भाई कहीं सबनो साइड राक्षसी डोलस, लेकिन मैं तुझे नहीं तो मारा है और नहीं तेरे को छोड़ा है, इसलिए मेरे सदनों राक्षस को पिंजरे में दे देता है। वरदान यही था भाई, अगर एक खून का टपका पड़ गया तो कई पैदा होंगे, यही तो वरदान बोला भाई, यही तो उसे वरदान था। अब उसका खून का टपका तो पड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि उसको पिंजरे में कैद कर लिया। अब राक्षस बड़ा शक्तिशाली था तो राक्षस कहने लगा, बोले भाई तू मेरे को रोकना चाहता है, मैं रुकूंगा भी नहीं। बोला तू नहीं रुक सकता? बोला नहीं रुकूंगा। तो मेरे सदनों राक्षस बड़ा शक्तिशाली था तो क्या बताया है, अब रेनो कहने लगा सो बाबू, मैं तने मेरा जोर दिखाऊं, ओ रे रे मैं तने मेरा जोर दिखाऊं। अब देख तुझे मेरा जोर दिखाता हूं, डटू ना जाऊं। अरे जटू ना जाऊं, डटू ना जाऊं, तन कर दी ना ऐलान। डटू ना जाऊं, तन रे कर दी ना ऐलान। सुबाऊ बोलिया मुझे रे भोले का वरदान, सुबाऊ बोलिया रे मुझे शंकर का वरदान। बोला मैं नहीं, बोला भाई मैं नहीं डटूंगा, जरूर जाऊंगा। क्यों? तो मेरे सदनों कैसे जाने की विधि लगाता है, राक्षस बड़ा शक्तिशाली था तो राक्षस उसी पिंजरे के अंदर तेल बन गया, तेल बन करके और पिंजरे के पींदे से नीचे टपकता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण विचार लगा लिया, बोला भाई जाए तो बाप, तो एक बोतल लेकर के तुरंत भगवान कृष्ण उस पिंजरे के नीचे लगा देता है। जैसे जैसे टपक टपक तेल उस बोतल में पड़ता है, उसी प्रकार वह बोतल भर जाती है। और क्या, बोतल बंद करके भगवान कृष्ण वहां से रवाना हो जाते हैं। बड़के तेल नीचे से डल के आया, प्रभ बोतल एक लगाया, ओ ओरी प्रभ रे बोतल एक लगाया। बोला भाई सारा समाया, सारा समाया, अरे सारा समाया, जो राजेंद्र करे गुणगान। सारा समाया राजेंद्र करे गुणगान, सुबाऊ बोला रे मुझे भोले का वरदान, सुबाऊ
दोनों इस प्रकार बोतल फूल भर गई। बोतल का डाटा बंद करके भगवान कृष्ण वहां से रवाना हो जाते हैं, अस्तनापुर में आ जाते हैं। अस्तनापुर में जाकर के उस तेल को एक जगह जाकर के रख देते हैं घर में। अब द्रौपदी कुमारी थी तो द्रौपदी आई, द्रौपदी आकर के उस बोतल को देख रहे, बड़े भाई सुंदर बोतल है, उठाई। पहला तो कहेगी थोड़ो सो हाथ में तेल ले और माथा में रमा लियो, और फिर देख बोले भाई इसमें तो सुगंध भी आती है। बोतल को खोल करके द्रौपदी और उसको सौंग गई, उसकी खुशबू ले गई। खुशबू लेते ही द्रौपदी का गर्भ रह गया, द्रौपदी कुंवारी थी गर्भ रह गया। अब मेरे सदनो भगवान कृष्ण ने विचार लगाया, बोले भाई द्रौपदी तेरी धर्म की बहन है, इसका रह गया गर्भ, ये शादी शुदा है नहीं, अब क्या हाल होगा। तो मेरे प्रिय सदनो भगवान कृष्ण बड़ा लाचार हो गया। लाचार होकर के और क्या अर्जुन के पास में जाकर के क्या प्रार्थना करता है, क्या अर्जुन बिल्कुल इनकार हो जाता है। अर्जुन को क्या भगवान कृष्ण जरा रोब रबाब से क्या कहने लग जाता है। अरे बोतल में ता पैक में खिवा ले गई राजकुमारी, बोतल में ता पैक में खिवा ले गई राजकुमारी, गर्भवती हो गई द्रौपदी, गर्भवती हो गई द्रौपदी थी वह अखंड कुमारी, गर्भवती हो गई द्रौपदी थी वह अखंड कुमारी। गर्भवती हो गई द्रौपदी थी वह अखंड कुमारी, गर्भवती हो गई वह द्रौपदी। बोतल में था पैक में कवा ले गई राजकुमारी, गर्भवती हो गई द्रौपदी, गर्भवती हो गई। तो मेरे सदनों बताया, सोच रही द्रौपदी मन में के बजराग पड़ो रे, सोच रही द्रौपदी मन में के बजराग पड़ो रे, लोग कहेंगे जीते जीते रे क्यों ना सांप लड़ा रे, लोग कहेंगे जीते जीते रे क्यों ना सांप लड़ा रे, बोला भाई कृष्ण को पता पड़ा रे, ओ कृष्ण को पता पड़ा रे तेरी दुखी बहन ब्रह्मचारी, गर्भवती हो गई द्रौपदी स्वाति अखन कुमारी, गर्भवती हो गई द्रौपदी। इस प्रकार भगवान कृष्ण को वेरा पड़ता, बोल भाई तेरी बहन धर्म की बड़ी दुखी लाचार हो रही है क्योंकि वो गर्भ सो गई। क्यों हो गई, बोले एक बोतल उठा करके और उसकी महक ले गई। यह बात भगवान कृष्ण अब सोच करना चालू कर दे, बोले भाई वो ही राक्षस है, अब क्या हाल होगा। आओ मेरे सदनों भगवान कृष्ण विचार लगाया, बोले भाई कैसे भी द्रौपदी का कलंक मिटाना चाहिए। अर्जुन के पास में भगवान कृष्ण जाता है तो क्या बताया, आख्या में आंसू भर बोली, उधर द्रौपदी क्या रोधन करती है, आख्या में आंसू भर बोली जीते जी मर जाऊंगी, ये बात मेरा भैया श्री कन्हैया कैसे मुख दिखलाऊंगी, मेरा भैया श्री कन्हैया
पड़कुआ में पढ़ के ये बात पड़कुआ में जान गमाऊंगी ओ पड़कुआ में जान गमाऊंगी अरे जट आलिए कृष्ण मुरारी बोला गर्भवती हो गई द्रौपदी वाती अगन कुमारी गर्भवती हो आओ मेरे भाई गर्भवती हो गई ओ मेरे सदरों इस प्रकार कोई कोई पर द्रौपदी चली जाती है भगवान कृष्ण स्वयं वहां चले जाते हैं जाकर के द्रौपदी का हाथ पकड़ के कहने लगे बावली एक तू मनुष्य शरीर इंसान होकर के कुएं में जान देती है नहीं नहीं यह तेरी कोई गलती को ना यह गलती सारी मेरी है सारी बात बता पहले इस प्रकार वो राक्षस एक बोतल में पैक करके मैं लेके आ गया था तूने बहुत बहुत गलती करी उसकी महक ले गई बोले भगवान कृष्ण मेरा क्या होगा बोले भाई मैं तेरा ये कलंक बिल्कुल मिटाऊंगा जा मैं तेरे को वादा करता हूँ और मेरे सदनों यह बात सुनी यह बात कह करके भगवान कृष्ण क्या अर्जुन से कहने लग जाते हैं जाकर के तो क्या बताया कहने लगे नंदलाल चाल तू जाने जाने कुए पे आई कहने लगे नंदलाल चाल तू जाने कुए पे आई तू है मेरी बहन धर्म की मैं हूँ तेरा भाई तू है मेरी बहन धर्म की बल इतनी सुन द्रोपद फरमाई अरे खोल सुनाई सारी बोला अरे इतनी सुन द्रोपद फरमाईवा खोल सुनाई सारी गर्भवती हो गई द्रौपदी वाती अकल कुमारी गर्भवती सारी बात द्रोपद खोल करके बता देती है बड़ी शर्मिंदी हो जाती है भगवान कृष्ण उसका हाथ पकड़ करके अस्तनापुर ले जाते हैं घरे बावली तू मेरी बहन धर्म की है और जा मंत्र को एक बात कहता हूँ तेरा ये दाग मैं मिटाऊंगा जरूर मिटाऊंगा तो घबराओ मत आओ मेरे सोनू इतनी बात कह करके तो क्या बताया चौथे नंबर बोला भाई श्री कृष्ण और अर्जुन के भाई सा प्रेम बताया श्री कृष्ण और अर्जुन के भाई सा प्रेम बताया उसके पास में जाकर प्रभु जी सारा हाल सुनाया रे उसके पास में जाकर प्रभु जी राव राजेंद्र कथा बनाया राव राजेंद्र कथा बनाया बोला लाज बचा ले मारी गर्भवती हो गई रे द्रौपदी वती अकल कुमारी गर्भवती हो गई गर्भवती हो गई रे द्रौपदी अर्जुन के पास में भगवान कृष्ण जाकर के सारी बात बताते हैं बोला भाई अर्जुन मैं तेरे से जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा लेकिन एक बात कहता हूँ और मेरी बात पूरी कर दे मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूँ क्या बोले भाई वचन दे लो भगवान मैं आपको वचन दे दिया आप कहोगे वही चीज आपको दूंगा तन मन धन सब कुछ आपके हवाले अर्पण है बताओ क्या करूं बोला करने का काम यही है तू इस द्रौपदी से शादी कर ओ मेरे सदनों यह बात कही कहते हैं भगवान की बात सुन करके
और अर्जुन कहने लगा, बोला भगवान दीन बंधु दीनानाथ, मैं आपका भाई समान हूँ, द्रौपदी आपकी धर्म की बहन है, फिर तो आप मेरे साला हो गए, मैं आपका बहने हो गया, मैं नहीं ये काम कर सकता, कुछ भी हो जाए। यह बात कही तो मेरे सदनों भगवान कृष्ण कहने लगा, अर्जुन तू मेरे को वचन दिया है, वचन लोप मत है। बोले नहीं भगवान, मैं आपको मेरा साला नहीं बना सकता। और मेरे सदनों आपस में दोनों का युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। भगवान कृष्ण कहने लगे, बोले भाई अगर तू मेरे को वचन दिया है, वचन लोप होता है तो युद्ध करने के लिए तैयार है। हे भगवान, मैं आपसे युद्ध भी नहीं कर सकता। बोला अगर युद्ध नहीं करता है तो द्रौपदी के साथ में शादी कर। भगवान मैं दोनों काम नहीं कर सकता। लाचार हो गया अर्जुन, बड़ा लाचार हो गया, भगवान के चरणों में इस चीज को झुका दिया है। भगवान कृष्ण तू मेरा भाई समान, मैं मेरे मुख से तुझे साला कहता ही शर्माता हूं। सदनों यह बात कही तो क्या बताया है भगवान, क्या रिधि विधि लगाता है। बोले भाई ये ऐसा नहीं मान सकता, युद्ध करेगा तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। अगर युद्ध तो तू करता है तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, तू इसको बहने बनाना चाहता है, द्रौपदी तेरी धर्म की बहन हो गई और ये तेरा भाई धर्म का बहुत बुरा घोर अन्याय होगा, ये तुझे भाई समान समझता है, लेकिन क्या करना चाहिए, द्रौपदी को तूने वचन दे दिया। तो मेरे सदनों बोले भाई तुझे शर्म आती है। बोले भगवान मुझे बहुत शर्म आती है। तो बोले भाई ठीक है कोई बात नहीं। अब उधर अर्जुन घर चला जाता है, भगवान कृष्ण अपने मकान के ऊपर आ जाते हैं, महल में आ जाते हैं। जैसे अर्जुन रोटी खाने के लिए बैठता है, क्या भगवान क्या रूप करके उसके पास में जाता है। तो बताया कवि ने, बोला तू मुझे साला कहता शर्माता है ना। बोले हाँ, अगर जब तू मेरे को साला तो कह देगा जब तो तुझे शादी करनी होगी। बोला भाई जरूर करूंगा। आओ मेरे सदनों, बोला ठीक है भगवान मैं आपको कैसे साला कह सकता हूँ, कभी भी साला नहीं कहूंगा, आप मेरे भाई समान हो। तो क्या बताया है? अरे अर्जुन बोला बात सुनो मेरी, ना करो परया चाला, अर्जुन बोला बात सुनो मेरी, ना थरो परया साला, कृष्ण कन्हैया धर्म का भैया तू सृष्टि रचाने वाला, कृष्ण कन्हैया तू धर्म का भैया सृष्टि रचाने वाला, कृष्ण कन्हैया धर्म का भैया सृष्टि रचाने वाला। सृष्टि रचाने वाला तू सृष्टि रचाने वाला, कृष्ण कन्हैया धर्म का भैया सृष्टि रचाने वाला। हाँ मेरे भाई, आशीष जुखा चरणों में बोला कहता लाज न आवे। कृष्ण कन्हैया से अर्जुन कहने लगया, शीश झुका करके भगवान आपको लाज नहीं आई, मैं आपका बहने बन सकता हूँ। आशीष जुखा, आशीष जुखा चरणों में बोला कहता लाज न आवे, भाई समान तू श्री भगवान, आ भाई समान तू श्री भगवान मेरी भक्ति का दाग लगावे, भाई समान तू श्री भगवान मेरी भक्ति का दाग लगावे।
था की बात समझ में ना आवे रे। था की बात समझ में ना आवे, प्रभु डाण लगे डाला। कृष्ण कन्हैया तू धर्म का भैया, सब रचाने वाला। कृष्ण कन्हैया धर्म का भैया तू, सब रचाने वाला। सिया राम वाला कन्हैया। हे भगवान, आपको शर्म नहीं आई मुझे बहने को कहते हुए? बोला भाई, ये बात है, तू मुझे साला नहीं कह सकता, लेकिन जिस दिन तू तेरे मुखार से अगर साला सुन लिया तो सोच रहे तेरे मेरे बहुत बड़ा भारी युद्ध घमसान हो जाएगा। पर मेरे सदन यह बात कही तो क्या बताया? बोल भाई, श्री दीन बंधु भगवान बने वो स्वान चाल कर आवे। अर्जुन उधर जाकर के खाना खाने के लिए बैठ गया, सुबह का वक्त हो गया। उधर भगवान क्या रूप धारण करते हैं? श्री दीन बंधु भगवान बने वो स्वान चाल कर आवे। अर्जुन रोटी खा रहा वो पहुंच हलारिया, उसे भी टूक बगावे। अर्जुन रोटी खा रहा वो पहुंच हलारिया, उसे भी टूक बगावे। अर्जुन क्या कर रहा? रोटी खा रहा था भगवान कृष्ण स्वान नाम कुत्ते का। भगवान कृष्ण कुत्ता का रूप बन करके अर्जुन के आगे जाकर के बैठ जाते हैं। अर्जुन खाना खा रहा था, एक टुकड़ा उधर फेंकता है। बोला, ये तो बड़ा सुंदर कुत्ता है, एक टूक आप खाता है। अर्जुन खाना खा करके खड़ा हो गया। अर्जुन रोटी खा रहा वो पूंछ हलाया, उसे भी टूक बगावे। अर्जुन रोटी खा रहा वो पूंछ। अब लड़ाई युद्ध इसी बात की थी कि भाई भगवान मैं आपको बहने हूं तो क्या, भगवान मैं आपको साला तो क्या, साला बनाऊं तो क्या, लेकिन कहता ही शर्माता हूं। तो बोला, तेरे मुखार से अगर साला कह दिया तो सोच ले बोला भाई, इस द्रौपदी के साथ तेरा स्वयंवर रचाया जाएगा, द्रौपदी के साथ तेरी शादी होगी। बोला, भगवान जरूर होगी, लेकिन आपको मैं साला कैसे कह सकता हूँ? अब उधर खाना खा रहा था अर्जुन, अर्जुन के पास भगवान स्वान रूप बन करके कुत्ता रूप बन करके चले जाते हैं। एक टुकड़ा उसे, एक टुकड़ा आप खाते हैं। अर्जुन खाना खा करके खड़ा हो जाता है। अर्जुन खाना खा करके खड़ा हो गया। अब स्वान नाम कुत्ता का कुत्ता अर्जुन, जो भगवान कृष्ण अर्जुन के पास में चला गया था कुत्ता रूप में, पूंछ हलाता ही रहा, पूंछ हलाते रहे जना मेरे सदनों। अर्जुन कहवा लगो, कृष्ण कौन है कुत्ता ने? बोला, रे मैं रोटी खा ली यार, तू दाखे ही कोई ना, तो क्या कह रहे हो उसे? ज्यादा क्यों तू पूंछ हला रहा? अरे ज्यादा क्यों तू पूंछ हला रहा? अरे रे सोच समझ रे साला, ज्यादा क्यों तू पूंछ हला रहा? सोच समझ रे साला, ज्यादा क्यों तू पूंछ हला रहा? सोच समझ रे साला। अरे श्री कृष्ण कन्हैया तू धर्म का भैया, सच रचाने वाला। कृष्ण कन्हैया तू धर्म का भैया, सच रचाने वाला। सदनों, तो उसी समय भगवान अर्जुन से कहने लग गया। बोले भाई, तेरे मुखार से अब शब्द निकल गया, अब तुझे शादी करनी ही होगी। अरे धूम धाम से शादी कर दी, कैसा खेल रचाया।
तो सदनों अपने अपने गरज के ऊपर भगवान भी कई कई रूप धारण करने पड़ जाते हैं। धूमधाम से शादी कर दी, कैसा खेल रचाया, अपनी गरज पर रामचंद्र जी गदा को बाप बनाया। खराब राजेंद्र गुरु ज्ञान से हो जाते ताला, कृष्ण कन्हैया तू धर्म का भैया सब रचाने।